और जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए आप सब जितने हमारे पब्लिक दर्शक हैं आर्यावर्त टुडे को साड़ी नारियल बीज हल्दी आदि का वितरण कर रहे हैं। कल कद्दू का वितरण हुआ था और लगातार हमारे लोग छठ पूजा में हर तरह का सेवा जो होता है सफाई से लेके व्यवस्था सारी व्यवस्था दिया जा रहा है। आज देखें अपार भीड़ है, अपार भीड़ में आज साड़ी सूप दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि जितने भी व्रत लोग कर रहे हैं लोग भगवान से मांगते हैं। इस छठ पर्व का बहुत बड़ा महत्व है। इस पर्व में भगवान साक्षात, ऐसे तो हम लोग शंकर भगवान विष्णु भगवान सबका नाम सुनते हैं, लेकिन इस पर्व में सूर्य भगवान का पूजा होता है जो सूर्य भगवान साक्षात दर्शन देते हैं। उगते हुए सूर्य का और डूबते हुए सूर्य का, पहला अर्घ के दिन डूबते हुए सूर्य का और पारण के दिन उगते हुए सूर्य का अर्घ दिया जाता है। गंगा नदी के किनारे गंगा जी सूर्य जो साक्षात इस धरती पर भगवान के रूप में है उसका पूजा हम लोग करते हैं। छठ के माध्यम से हम लोग वहाँ जल अर्पण करते हैं, दूध अर्पण करते हैं, सभी भक्तों का मनोकामना पूर्ण होता है ऐसा माना जाता है और ऐसा हुआ है। छठ पर्व में किया गया कार्य बहुत ही जन उपयोगी होता है और एक दूसरे से लोग मिलजुल कर अच्छे ढंग से छठ करें, व्यवहार से करें, भाईचारा के रूप में करें, प्रेम के रूप में करें। यही हमारी मनोकामना है कि छठ पर्व वहाँ छठ पर्व की सभी को मैं बधाई देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ कि सबके परिवार सुखमय हो, खुशमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग हिंदू का महान पर्व है, हम लोग आज सूप वितरण का काम किए हैं। कल करना था, कल भी हम लोग कद्दू वितरण किए थे और आगे भी हम लोग का कल कुछ रहेगा, सेवा रहेगा। हम लोग सफाई अभियान और दूध से लेकर हर चीज़ में लगे हैं और बढ़िया ढंग से हम लोग इसका पहल कर रहे हैं। छठ पूजा के लिए मैं सबको हार्दिक रूप से बधाई। भगवान भास्कर से आप क्या मांगेंगे अगर आप पूजा करेंगे? भगवान भास्कर से मैं यही मांगूंगा कि सब सब कोई सुखमय रहे और ये 1247 का जनता भी सुखमय रहे और पूरा बिहार सुखमय रहे, मैं यही मांगता हूँ। अपना नाम बताइए। अनिल कुमार सिंह, मंडल अध्यक्ष, सम्राट अशोक, 1247 सम्राट अशोक मंडल, वार्ड पार्षद कार्यालय में नहाय खाए के दिन से ही हमारे कार्यालय में कद्दू भा कद्दू का वितरण होते हुए आज खरना है। तो खरना में आज प्रवृत्ति के लिए छठ में साड़ी सूप नारियल देने का काम मेरे वार्ड पार्षद जी ने किए हैं और इसी तरह हम लोग कार्य में लगे रहेंगे कि आगे बाढ़ में कोई चीज़ का दिक्कत ना हो और छठ पर्व सभी पर्व दिन अच्छी तरह से मनाएं, यही मेरी मनोकामना है।